वैसे थे ही नहीं पहली बार, में भी कंगी नहीं कंगे होते थे हमारे तो इतना इतना कोई ताल्लुक ही नहीं था लड़कियों से। बहुत सही था, कंगी नहीं कंगा होता। ऐसा लगता है कि जिस लड़की के साथ डांस कर रहा है मतलब कुछ ना कुछ सीन है, ठीक है, कुछ तो चल रहा है, जैसे सालसा नाइट कहते हैं, नाइट कहते हैं, लैटिन नाइट, इटली गया, स्पेन गया, जर्मनी, लीड एंड फॉलो इंडिया, ये सबको लगता है कि मतलब ये मौज कर रहा है जिंदगी में बंदा। लाइक थ्री मंथ्स का कोर्स ऑफ माय टीचर, ये तो बहुत मतलब एक कहते हैं ना कि टफ लाइफ से जब चेंज होता है तो एक ना वैल्यू भी पता चलती है इंसान को कि यार ये ख़राब है, नहीं अब नहीं वो वापस चीज़ें करते। तो ये तो रहा कि डांस कैसे शुरू किया, कैसे आए, एंड व्हाट अबाउट ओनली लैटिन कम्युनिटी, कि इनका ये पंच या एक पोक कहते हैं वो कैसे इंट्रोड्यूस, ये कैसे शुरू किया? अच्छा, जैसे अभी मैं बता रहा था कि कॉलेज गया तो कॉलेज में डांस सोसाइटी ज्वाइन करी, तो वहाँ पर आई थिंक ज़्यादा फ्यूजन रहता है ना हमारा, हिप हॉप भी कर दिया थोड़ा सा, वेस्टर्न डांस सोसाइटी में सब कुछ मिक्स कर, दो ही होता है, वेस्टर्न होता है, कोरियो होता है, ठीक है, तो हम लोग इनफैक्ट काफ़ी सोसाइटीज है, फोक है, हाँ आ गए बहुत सारे, उस टाइम पर आई थिंक मेनली दो रहता था, वेस्टर्न एंड कोरियो, वेस्टर्न एंड कोरियो रहता था। तो जब गया उसके अंदर टीम के अंदर तो सब कुछ कर रहे थे, तो मतलब कोई प्रॉपर डांस फॉर्म नहीं था, फ्री स्टाइल ही करता था, वहाँ पर भी सेम मिला। अब वहाँ पर मेरे जो एग्जैक्ट प्रोफेशनली जो मैंने चीज़ें पता चली वो वहाँ पर कोरियोग्राफर आते थे, गोविंद सर, गोविंद सर एंड एक और मेरे जिनसे मैंने सब कुछ सीखा लाइफ में, मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, थैंक यू सर, होजे सर है उनका नाम, होजे सर, यस, जोज होजे बोलते हैं उनको, कोई जोजे बोलता था, ठीक है, तो जोज सर, जोज वर्गीज है उनका पूरा नाम, अभी ही इज़ नॉट इन इंडिया, वो अभी फ्रांस शिफ्ट हो गए हैं, तो वो आते थे, तो उनसे मैंने बात करी, मतलब उनके स्टूडियो में प्रैक्टिस के लिए जाते, तो मेरे को पता चला कि यहाँ पर प्रॉपर प्रोफेशनली तुमको चीज़ें सिखाई जाती, तो वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया था हिप हॉप क्लासेस के लिए। अच्छा, हाँ, और मेरे को आज भी याद है कि जब मैंने ज्वाइन किया था वो वहाँ पर हिप हॉप के लिए, तो ज्वाइन करने की उस टाइम पर आई थिंक 4000 समथिंग फीस थी 3 महीने की, तो मैं उस टाइम पर भी एक मोबाइल कंपनी थी, ठीक है, नाम नहीं लूँगा, उस मोबाइल कंपनी में मैं जॉब कर रहा था, क्योंकि ट्वेल्थ के टाइम पर, ट्वेल्थ के बाद या फिर कॉलेज के टाइम पर कुछ तो खाली टाइम मिलता था, मैं उस टाइम पर उसमें जॉब करने लग गया था, तो वो पार्ट टाइम, तो उसकी जो सैलरी मिली थी मेरे को उससे मैंने फर्स्ट अपनी फ़ी पे करी थी, तो अब सर, हाँ, तो अब वो सर की क्लास ज्वाइन कर ली, 4000 रुपये दे दिए, आई थिंक 3 महीने का था वो कोर्स, तो कॉलेज में भी कर रहे, सर के पास भी आ रहे, तो अब सर ने मेरे को देख लिया कि खतरनाक वाला बंदा, ये मेहनती है, ये है, तो अपनी तरफ से उन्होंने आई थिंक कुछ टाइम मैंने फ़ी पे करी थी, उन्होंने कुछ टाइम बाद खुद ही बोल दिया कि तुमको स्कॉलरशिप दे देंगे हम लोग। मैं तो, मेरे लिए तो ऐसा चीज़ था कि हाँ, मैंने कहा कि मतलब ये क्या, मतलब तो बहुत सही चीज़ है, पैसा नहीं देना पड़ेगा, पैसे थे ही नहीं पहली बात, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मज़ा आ गया। तो फिर हिप हॉप डांस ही सीखता था, और आई थिंक हिप हॉप के साथ वहाँ पे उस टाइम पर सर कंटेम्प्रेरी और जैज़ की भी ट्रेनिंग देते थे, क्योंकि सर खुद भी बहुत खतरनाक वाले ट्रेनर, बहुत ट्रेन किया उन्होंने अपने आप को, और वो जो भी डांस फॉर्म करते हैं ऐसा लगता है कि वो मतलब उनका मेन यही है, यही डांस फॉर्म है। तो उन्होंने फिर बोला कि यार ये होता है डांस फॉर्म, मैंने कहा ठीक है सर ये भी कर लेंगे, तो उन्होंने इसके लिए बताया, कंटेम्प्रेरी के लिए बताया, ठीक है, बैले की ट्रेनिंग भी कराने लग गए थे, जैज़ भी करते, तो मैं एक साथ ही दिन में बॉलीवुड भी कर रहा हूँ, हिप हॉप भी कर रहा हूँ, तो एक साथ 5-6 घंटे, तो साथ के साथ ही 4-5 चीज़ें एक साथ कर रहा हूँ। अब वहीं पर ही सर फिर आई थिंक वीकेंड पर होता था सालसा और बचाता, उस टाइम पर किज़ोम्बा नहीं था, सिर्फ लैटिन डांसिंग थी, सालसा और बचाता, तो हाँ तो बचाता ही बहुत कम था, लेकिन सालसा मेन था, सालसा। तो सर ने बोला ये भी डांस फॉर्म होता है, तो मैंने देखा कि लड़का लड़की साथ में कर रहा, अपना तो दूर दूर तक लड़कियों से ताल्लुक ही नहीं था, हमारा क्या बोलते हैं कि घर में भी कंगी नहीं कंगे होते थे हमारे तो इतना कोई ताल्लुक ही नहीं था लड़कियों से। तो मैंने कहा सर ये तो हाथ पकड़ के करते कैसे होगा, तो मैं तो घबरा गया, तो उन्होंने सर ने बोला कर, ये बहुत सही था, कंगी नहीं कंगा होता। तो हाँ, तो बाबा फिर उन्होंने बोला कि कर लो चलो, मैंने कहा ठीक है सर ये भी कर लेंगे आपके कहने पर। 3 महीने तो फुल फटी रही थी, हाथ पकड़ते ही कि ऐसे ये डांस, घबराहट जैसे कहते हैं ना, हाँ वहाँ पे मेरी देखो हर जगह ना मेरे को कोई ना कोई मिला है लाइफ में, मतलब पुश करने के लिए ना कोई एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी वृंदा नाम है उनका, उन्होंने बहुत पुश किया, डांटती थी मेरे को, उस टाइम डांट लगती, लेकिन आज समझ आता है कि अच्छा यार मेरे भले के लिए, तो वो उन्होंने जबरदस्ती पकड़ा के चल कर तो ऐसे करके शुरू कर दिया लैटिन डांसिंग भी मैंने साल तक शुरू कर दिया अपना। तो अब एक साथ ही मेरा एक ही दिन में हिप हॉप भी चल रहा है, कंटेम्प्रेरी भी चल रहा है, बॉलीवुड भी चल रहा है, एक ही साथ एक ही दिन में, ठीक है, क्योंकि मैंने पता कॉलेज इतना जाना होता नहीं था, क्योंकि सबको पता डांस में
वहाँ पे कंपटीशन करने जाते थे तो सर्टिफिकेट ला रहे हैं, शील्ड ला रहे, तो खुद ही अपने क्या बोलते कॉलेज का नाम चल रहा है, तो इतना बोलते नहीं थे। अटेंडेंस के लिए होता था लेकिन उसके थ्रू हो जाता था, समझ मैनेज हो जाता। अलग अलग ट्रेनिंग शुरू कर दी। अब मैं मॉर्निंग 7 बजे शुरू हो जाता था छाव क्लास से, मतलब मैं घर से निकल जाता था, आई थिंक 7:30-8 बजे शुरू होता था, मंडी हाउस में होता था वो। तो सपन आचार्य गुरु जी उनसे किया था, वो उनके ब्रदर दोनों थे वहाँ पर, तो उनसे ट्रेनिंग शुरू करी। तो वहीं पर ही वो कितने साल किया कुछ, आई थिंक 3-4 साल चला है वो मेरा, चार पाँच साल छाव की ट्रेनिंग। ठीक है, साथ साथ रहिए सब कुछ, मतलब 18 घंटे रहता था डेली ये, मतलब मेरा 10 साल 2018 तक, 2007 से लेकर 2018 तक, अभी तक भी है लेकिन उस टाइम तक ये रेगुलर ट्रेनिंग रही है मेरी 18 तक नॉन स्टॉप। मतलब इतने एक डांस में अगर कम किया मैंने तो कुछ और ऐड कर देता था। तो उस टाइम पर ही बता रहा हूँ कि सुबह अगर 7 बजे मैं छाव के लिए गया वो आई थिंक 10-11 बजे तक होता था। उसके बाद हम पार्क में जाते थे, वहाँ पर एरियल सिल्क करते थे हम लोग, एरियल तो पार्क में ही डाल दिया हमने एरियल, और वहाँ पे वो कर रहे हैं कुछ दोस्त थे हमारे, हम लोग सब मिलके एरियल करना शुरू कर दिया। अब वहाँ से फ्री हुआ, आई थिंक इतना भी टाइम नहीं होता था कि घर जा सके कुछ, या फिर किराया भी नहीं होता था तो इतनी दूर जाना पड़ेगा मंडी हाउस से वापस, तो किराए के लिए पैसे होते नहीं थे। तो फिर वहीं पर पार्क में 1-2 घंटा आई थिंक लेट गए, वहीं पर 1-2 घंटा लेट के नेक्स्ट क्लास मेरी होती थी कथक, दयानंद गुरु जी हैं। तो मैं अच्छा मैं नाम इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि सबके लिए मैं थैंकफुल हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी वजह से ही जो मैं आज हूँ, इन सब की ब्लेसिंग, इन सब की ट्रेनिंग की वजह से हूँ। तो मैं हमेशा क्रेडिट देता हूँ और देता रहूँगा क्योंकि जो आपके लिए कर रहा है, ठीक है, मेरे मॉम डैड सब ने मेरी सिस्टर जीजू सब ने, ठीक है। तो अब एरियल सिल्क के बाद थोड़ा सा रेस्ट करा लंच करके, फिर मैं कथक क्लास के लिए चला गया। कथक भी आई थिंक मैंने 1.5-2 साल किया है दयानंद गुरु जी से, तो वो करके फिर उसके बाद मैं आई डांस जाता था। अच्छा आई डांस, हाँ मैं बता दूँ, डांस स्टूडियो जहाँ से होजे सर, हाँ एक ही स्टूडियो जहाँ पर मैंने आई थिंक 8-9 साल सीखा है, होजे सर का स्टूडियो था वो, और आई डांस इंडिया नाम था उसका, ठीक है। अभी भी फर्स्ट स्टूडियो जिसमें मतलब मेजरली मेजरली इस डांस पे फोकस करते थे, ठीक है। तो वहाँ पे तो अब मैं उसके बाद 4 बजे वहाँ पहुँच जाता था, 4 से लेकर 10 बजे तक बैक टू बैक करता था। उसके बाद फिर सोशल चले जाते थे, सोशल कपल, हाँ भी हाँ ठीक है, सालसा नाइट कहते नाइट थे। कहते लैटर नाइट, हाँ अब अलग तरीके से नाइट, हाँ। और उसमें तो ऐसे करके चलता रहा 2018 तक बहुत ज़्यादा। फिर उसके फेस्टिवल शुरू हो गए थे, फेस्टिवल में जाके फेस्टिवल हमारे लैटिन कम्युनिटी के फेस्टिवल होते थे जिसमें सालसा बचाता होता था, वहाँ पे जाके सीखो सुबह से, वहाँ पे भी सेम ट्रेनिंग होती है, सुबह 10 बजे से 9 बजे से शुरू हो जाता है, रात को 3-4 बजे तक चलता है, वहाँ पे भी 2-3 घंटे सुबह। तो मेरा ऐसी ट्रेनिंग रही है खतरनाक वाली, आई थिंक 2018-19 तक तो मतलब खतरनाक। और मैंने जब तक बहुत ज़्यादा सिखाना भी शुरू नहीं करा था, सिर्फ इतना करता था मेरी अर्निंग हो जाए, प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा शुरू नहीं किया था, डांस स्कूल में मेजर फोकस सीखने में था। हाँ तो अब उसी के बीच में ना, मतलब जो मेरे टीचर है वो कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं है, ठीक है, कभी वो लेट इट हर चीज़ के लिए जाने देते थे वो। तो मैं फेस्टिवल में जब जाता ना, मैं हमेशा फोकस कर मतलब ऑब्जर्व करता था वहाँ पे जाके कि यार मतलब ये डांस फॉर्म बाहर के लोग ही ज़्यादा कर रहे हैं, तो क्यों ना उनसे भी कनेक्ट हुआ जाए। तो वहाँ से मेरा दिमाग शुरू हुआ था कि मेरे को ये ट्रेनिंग करनी बाहर जाके भी, तो इसमें भी 3-4 साल लग गए थे मुझे कि मेरे को बाहर जाके सीखना है वो, हाँ। वो करके और मैं कांटेक्ट बना रहा था सबसे धीरे 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 वो करके। फिर 2017-18 में मैं पहली बार अब्रॉड गया था सीखने के लिए, अपने खुद के पैसे खर्च करके वहाँ पर जाकर, और ये सो फ्रांस, बहुत सारी कंट्री ट्रैवल किया था मैंने, फ्रांस गया, इटली गया, स्पेन गया, जर्मनी गया, बहुत जगह गया ट्रेनिंग कर इन सब चीज़ों के लिए। तो ऐसे 2018 तक इन सब में ट्रेनिंग करके उसके बाद फिर अपना स्कूल खोल दिया था मैंने, जो कि अभी सब लोगों को आई थिंक पता होगा, लीड एंड फॉलो इंडिया। तो ऐसे एक चीज़ है जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि सालसा नाइट का मेजर वो था, अभी एक चीज़ है जैसे एक होता है लैटिन डांसेस, फिर एक एफ्रो लैटिन डांस, मतलब उसके बीच में क्या डिफरेंस है। अच्छा मैं ये बता दूँ, आई थिंक बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है इस चीज़ के लिए कि वो एक साथ ही नाम लेते हैं एफ्रो लैटिन, ठीक है, एफ्रो जनरली वैसे ही, हाँ क्योंकि ये नाइट हम लोग बेसिकली हम नाइट या फेस्टिवल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एफ्रो लैटिन, ठीक है, दो अलग वर्ड है, एक एफ्रो एक लैटिन, ठीक है। तो एफ्रो के अंदर मैं भी मेनली 3 डांस फॉर्म सिखाता हूँ, सालसा बचाता है, किजोम्बा, जो किजोम्बा आता है दैट इज़ एफ्रो, ठीक है, अफ्रीकन डांस फॉर्म है, इट स्टार्टेड फ्रॉम लाइक जो उसका बेस था दैट इज सेम्बा, सेम्बा जो शुरू हुआ था वो अंगोला से शुरू हुआ था, तो वो एक एफ्रो पार्ट है, ठीक है, वो वहाँ का है। अभी लैटिन डांसिंग सालसा बचाता जो हम लोग करते हैं वो लैटिन, ठीक है, साउथ अमेरिका से है।
तो डोमिनिकन रिपब्लिक से बचाता है और क्यूबा से मेन वो रहा था इंस्पायर्ड, ठीक है। तो एल ए स्टाइल है, ऑन टू स्टाइल, न्यूयॉर्क स्टाइल जिसको बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, पचांगा है, बहुत अलग अलग चीज़ है। तो एफ्रो एक अलग पार्ट है, लैटिन एक अलग पार्ट है। बट जनरली जैसे एफ्रो बोलते हैं ना, एफ्रो लैटिन नाइट पे जा रहे हैं या एफ्रो लैटिन फेस्टिवल है, तो उसी से ही जनरली वैसे नहीं, क्योंकि एफ्रो लैटिन करता है क्या? हाँ क्यों, अच्छा अब एफ्रो लैटिन करता है तो वो अपने आप में रिलेट करेंगे ना, क्योंकि नाम से। अगर बंदा दोनों चीजें करता तो अपने आप भी वो फिर हो गया एफ्रो लैटिन डांस, दोनों एफ्रो भी करता, फॉर एग्जांपल सालसा ही करता तो लैटिन, फिर लैटिन बोलेंगे उसको, ऐसे नहीं बोलेंगे एफ्रो लैटिन। हाँ अब लेकिन सालसा के अंदर भी हमारी बहुत सारे एफ्रो एलिमेंट्स यूज होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स है जो यूज होते हैं एफ्रो के, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें, तो अगर सालसा में भी अगर हम चाहेंगे तो एफ्रो एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या सोलोज वगैरह में जनरली यूज़ करते हैं, पार्टनर में भी होता है, रुम्बा यूज़ होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, और ओरिशाज है, बहुत सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर। अच्छा तो ये मिसकंसेप्शन आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा होते 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 सब लोग उसको एक जनरल फॉर्म मान, एक ही चीज़ बोलने लग गए कि एफ्रो लैटिन, मतलब उनको लगता है कि वो किसी फॉर्म का नाम है एफ्रो लैटिन, मतलब एफ्रो लैटिन एक नाम है, सालसा नाम है ना, तो एफ्रो लैटिन लगता है कुछ ऐसे नाम है, वो एक नाम नहीं है, वो दो अलग चीज़ों को जोड़ के एफ्रो लैटिन बना है। अच्छा जैसे ये एफ्रो लैटिन का भी हम बात कर रहे थे, सालसा नाइट्स और काफ़ी चीज़ें होती हैं, क्या अभी मैं ऑडियंस नहीं बोलूँगा बेसिकली, क्या लोगों ने अभी इसको एक्सेप्ट करा है? जैसे नाइट्स होती है, सालसा वगैरह, सोशल बेसिकली मैं बोलूँगा, क्या लोगों ने इसको अभी भी एक्सेप्ट किया है या नहीं, अभी भी उतना नहीं हुआ है? अच्छा देखो, लाइक बेसिकली इट्स नॉट आर कल्चर, ये जो है एफ्रो लैटिन इज़ नॉट आर कल्चर, ठीक है। बाहर से आया ये कल्चर, तो इंडिया में इसको अडेप्ट करना, लाइक लेना उसको, पकड़ना उसको इंडियन कल्चर के हिसाब से बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। अभी चेंज हो रही है चीज़ें, लेकिन बहुत ऐसी नज़र से देखते हैं कि मेरे को भी जब मैंने डांस वम करना शुरू किया था तो मेरे को भी बोलना शुरू कर देता, अरे यार मतलब लड़की के साथ डांस कर रहा है ये क्या, मतलब उनको लगने लगे थे लड़की वाला डांस फॉर्म, मतलब लड़की के साथ डांस कर रहा, तो मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, साथ दो लोगों को एक लड़का लड़की मतलब देखना साथ पसंद ही नहीं कर रहे थे कोई भी, ऐसा लगता है कि जिस लड़की के साथ डांस कर रहा है मतलब कुछ ना कुछ सीन है, ठीक है, कुछ तो चल रहा है, तो ये बहुत गंदा, तो उसी गलत सोच है। तो ये मिसकंसेप्शन भी है सोशल नाइट्स को लेकर, प्लस इस डांस फॉर्म को लेकर, जो कि हम लोग इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे ये डांस फॉर्म, बहुत अभी की चिपक के डांस करना, ठीक है, अभी बचाता सेंशुअल हो गया, ठीक है, किज़ोम्बा हो गया, तो क्लोज डांस है तो उसको एक्सेप्ट कैसे करेगा, कल्चर में है ही नहीं ना हमारे कितना। तो लेकिन मैं सबको बता दूँ कि लाइक इट्स अ क्लोज डांस फॉर्म, ठीक है, लेकिन ये आप अपने मॉम के साथ भी कर सकते हो, अपनी नीस के साथ भी कर सकते हो, अपनी सिस्टर के साथ भी कर सकते हो, सबके साथ like कर सकते हो। यस यस, सी अभी मेरी क्लास में मैं अपनी सिस्टर की बेटी को सिखाता हूँ, अपने भाई की बेटी को भी सिखाता हूँ, ठीक है। तो ये डांस फॉर्म आप किसी के भी साथ कर सकते हो, और जैसे शुरू हुआ है ना ये ऐसे ही कल्चरल डांस फॉर्म था, उनका ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, तो वो लोग भी सबके साथ करते, तो हम लोग भी सबके साथ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ करो तो आपका सबके साथ सीन है, या फिर आप सिर्फ गर्लफ्रेंड के साथ, अभी ये भी बहुत गलत वो है लोगों को ना कि ये गर्लफ्रेंड के साथ ही आपको आके सीखना है, या वाइफ, ऐसा कुछ नहीं है, भाई बहन भी सीखते हैं, मॉम डैड भी सीखते हैं, ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं जो सेम रिलेशन वाले ब्लड वाले लोग करें, इवन मेरी खुद की फैमिली के लोग सीख रहे हैं, मैं खुद सिखाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि ये ऐसा क्लोज डांस हो, मैं तो आई थिंक अभी नहीं, तो कुछ साल में प्रॉपर इसको एक्सेप्ट कर ही लेंगे लोग। अच्छा लाइक अभी आपने जैसे बताया आपके फैमिली वाले लोग भी कर रहे हैं, बट क्या पेरेंट्स ने अभी इसको मतलब ओपन कर दिया, क्या इसको एज प्रोफेशन लेने के लिए वो अलाउ अभी करते हैं, या सिर्फ सीखने जाओ बस उसके आगे कुछ नहीं? इस डांस फॉर्म का ही तो क्या, मैं किसी भी डांस फॉर्म के लिए बोलूँगा, इंडिया में कौन अपने बच्चों को प्रोफेशनली डांसिंग के लिए बोलेगा, कोई नहीं बोलता, कोई बोलेगा ही नहीं उनको। एक तो इंडिया में मतलब जैसे मैं भी आया तो क्या बोलते हैं, नचनिया बनेगा, नचाड़ बनेगा, क्या क्या वर्ड, डांसिंग के लिए थोड़ा वो नेगेटिव बहुत चल रहा है, बहुत बहुत, और ऐसा बहुत लोगों को लगता है लड़की वाला चीज़ है, कुछ लोगों को ये लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि गलत संगति टाइप्स। हाँ मतलब मैंने बताया था ना शुरू में कि डांस मतलब नशे, ये लफंडर लोग करते हैं, ये मेंटेलिटी बनी पड़ी है लोगों की, ठीक है। तो मैं सिर्फ एफ्रो लैटिन डांस फॉर्म की नहीं, मैं जनरल डांस की बात करूंगा, तो इंडिया में कोई भी नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा प्रोफेशनल डांसिंग करे, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। मेरे घर वालों को मैंने फुल सेटिस्फाई किया हुआ इस चीज़ के लिए, इतने सार मतलब टाइम टू टाइम उनको रिजल्ट दिए हैं,
प्रूव किया है कि लाइक एवरीथिंग इज गुड. वो सेफ्टी मेजर भी रहता है ना कि लाइक गर्ल्स है उनका सेफ्टी भी रहता है, ऑल्सो गाइज के लिए भी वो है कि कितना अर्न कर लोगे भाई सीजन है. तो इस बात से मुझे भी रिसेंटली एक बात याद आई है कि कोई लाइक बहुत अच्छा प्रोफेशनल डांसर अपने स्टूडेंट को, मतलब मैं भी था वहाँ पर, तो उसने पूछा को तो कि प्रोफेशनली लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसने साफ मना कर दिया उसको कि प्रोफेशनली मत लो. अच्छा. मैं सोच रहा मतलब क्यों मत लो, मतलब अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे या फिर कुछ नहीं हुआ आपकी लाइफ में तो आपसे नहीं हुआ ना, ज़रूर थोड़े वो कर दे. लाइक मैं जीता जाता एग्जांपल हूँ इस चीज़ के लिए. मैंने भी सब कुछ बताया, मैं कहाँ से शुरू हो गया, मतलब एक रुपए देखने को नहीं थे, आज भगवान की दुआ से सब कुछ है, ऊपर वाले की मर्जी से स्टूडियो है अपना, कैफे है अपना, घर है, सब कुछ है. ठीक है, तो अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता भाई, कोई भी, मतलब मैं कोई भी कर सकता. आप मतलब खुद ने आपने नहीं किया लाइफ में तो आप दूसरों को. डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी चाहिए. तो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ अगर आपको कुछ भी करना ना कर डालो, और कर सकते हो आप 100% कर सकते हो. तो अब वो बात चल रही थी हमारे कि कैसे इसको पेरेंट्स वगैरह एक्सेप्ट कर पाए. तो पेरेंट्स वगैरह के कोई भी इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है ही नहीं. ठीक है, क्योंकि कल्चर है ही नहीं, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं, मतलब मेरे नहीं, जनरली मतलब स्टूडेंट वगैरह भी आते तो क्योंकि मास ऑडियंस की बात करें दिमाग में रहता है कि आगे जैसे कि प्रोफेशनल डांसर नहीं बोल दिया कि मत करो तो पेरेंट्स को, तो जिसका नाम है वही खुद बोल दे, वो खुद बोल रहा है. तो अब पेरेंट्स को का पेरेंट्स को तो कुछ इसका ABCD भी नहीं पता ना कि क्या होगा. तो अब हर किसी की सोच में यही है कि बहुत मुश्किल है, बहुत, देखो हार्डवर्क हर जगह चाहिए होता है, सब कुछ हार्डवर्क पेशेंस सब जगह चाहिए. ठीक है, अब अगर आप उस चीज़ को निभा लेते हो ना तो आई थिंक हो जाता है. तो अब एक्सेप्ट करने वाली बात आएगी तो नहीं कर पा रहे, लेकिन आई थिंक कुछ टाइम बाद धीरे 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 अगर आप उनको रिजल्ट दे रहे हो साथ के साथ, उनको अच्छा कुछ करके दिखा रहे हो, आई थिंक वो समझ जाते हैं. आई थिंक मोर एग्जांपल्स लाइक यू और बाकियों की तरह ना जो सक्सेसफुल है तब उनको दिखा सकते हैं कि हाँ देखो इनका भी लाइफ है. मतलब अभी तो बहुत कुछ अचीव करना लाइफ में, लाइक मैं अपने आप को अभी भी सक्सेसफुल नहीं बोलता, मतलब जो भी अचीवमेंट 1 मिलियन फॉलोइंग में नो सक्सेसफुल. ठीक है, उसके बाद सक्सेस. नहीं गाइस, सो लाइक सच में मेरे को हर 2-3 साल बाद लगता है कि मेरे को अपने आप को अपडेट करना है, प्लस अभी तो स्टार्ट है, हर कुछ दिन बाद मेरे को लगता है स्टार्ट है. ठीक है, जिसको सीखना है उसको बस सीखना है. हाँ, मेरे को मतलब चाहिए कि मैं हर कुछ टाइम बाद मेरे को सीखना होता है और अपडेट करना होता है. तो अब मैंने रिजल्ट दिए साथ के साथ, अपने घर वालों को लूप में रखा, सब चीज़ क्लियर रखता था, चीज़ों से दूर रहा कि उनको ऐसे ना लगे, जो जो उनको डर थे उन सब चीज़ों से मैं दूर रहा और उनको रिजल्ट देता रहा. तो मेरे घर वाले एक्सेप्ट कर चुके हैं. तो आई थिंक अगर सब लोग सेम तरीके से चीज़ें करेंगे, पेशेंस के साथ, पैशनेटली, हार्ड वर्क के साथ, आई थिंक सबके पेरेंट्स मान जाएंगे और हम इसको अचीव कर सकते हैं इन सब चीज़ को कि मनवा दे सबको, एक्सेप्ट कर ले हमारा पेरेंट्स और हमारा कल्चर इस चीज़ को. अच्छा, सोशल मीडिया के बारे में जैसे अभी मैंने बोला था कि आपके 1 मिलियन फॉलोइंग है, आप वीडियोज़ डालते हो अलग अलग लड़कियों के साथ, तो क्या आपको जो कॉमेंट्स आते हैं वो थोड़े अजीब नहीं होते कि क्या कर रहे हो भाई, हमें भी करना है ये? अच्छा, कब ये सीख सकते हैं ऐसा वाला? अभी लाइक तुम बात करो कमेंट्स वगैरह की, या फिर अगर तुम लाइक 1 मिलियन सारे मिला के इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हाँ सब कुछ मिला के टोटल, तो कहीं पर भी जाकर आज तुम कमेंट्स पर होगे ना सब जगह, ये सबको लगता है कि मतलब ये मौज कर रहा है ज़िंदगी में बंदा. मतलब उनको क्या, यूजुअल जनरल लोगों को भी लगता है कि मतलब इसकी मौज चल रही है, मेरे दोस्त पुराने दोस्त हुए तेरी मौज हो रही है भाई तो रोज़ नई लड़की के साथ. लेकिन मैं मतलब बहुत एक्सप्लेन करता नहीं क्योंकि रियलिटी मुझे पता है कि क्या रियलिटी है. ठीक है, और वो मैं ही जानता हूँ और वो उस कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी के लोग जानते हैं कि ये क्या है डांस फॉर्म. ठीक है, सो लाइक फॉर मी इट्स अ वर्शिप. ठीक है, वो मेरे लिए वर्शिप है. तो लोग बहुत अलग सोच के साथ देखते हैं इसको, बहुत अलग तरीके से देखते हैं. कमेंट जाके पढ़ोगे, मैं कभी कभी खुद कमेंट पढ़ने ही जाता हूँ खाली. बहुत सारे लोग भी आते हैं कमेंट, मेरे घर वाले बहुत सारे जो कमेंट पढ़ते हैं. अगर कमेंट पढ़ोगे ना, अगर नेगेटिव लेने वाला होगा ना कोई बंदा, तो आई थिंक वीडियोस बनाना डालना तो बहुत दूर नहीं कर पाएगा, डालना तो दूर, बनाना छोड़ देगा. क्या क्या कमेंट आते हैं उस तरीके का, कभी पढ़ना जाकर, लाइक आप लोग भी पढ़ना, पढ़े ये पूछा तो जाकर मतलब मजे लेता, मैं रिप्लाई भी करता हूँ बहुत सारे उसमें जाकर लोगों के, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, देखो पब्लिसिटी होती है, आपको कैसा भी हो, आपको अगर इंगेजमेंट बढ़ाना है तो अपनी इंगेजमेंट बढ़ाता हूँ जाकर, वहाँ पर मजे लेता हूँ, बढ़ती है वीडियो आगे. तो इससे फायदा बहुत है ना, नेगेटिव में भी पॉजिटिव निकाल लिया कि चलो कुछ तो फायदा ले ही ले. नहीं, ये ट्रिक भी है एक, अगर सोशल मीडिया पे अगर आपको
वो करना है ना, तो एंगेज हाँ, तो बातें करके रखो, रिप्लाई करो, ये मैं बहुत बहुत बोलता हूँ इस चीज़ के लिए कि करो बाबा, अच्छी बात है, नेगेटिव करो पॉजिटिव करो, हम तो सख्त लौंडे खड़े रहेंगे। अच्छा, जैसे हमने अभी ना ट्रेंड देखा था कि सालसा किजुम्बा बचाता का एक बेसिक ट्रेंड नोटिस किया है कि लोग ना किजुम्बा बचाता ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं ओवर सालसा, लाइक ये इसका कोई स्पेशल रीज़न है या ऐसे ही लाइक अभी ये ट्रेंड चल रहा था उसको फॉलो किया, फिर वो चल रहा था उसको फॉलो किया? ओके, सो लाइक इस चीज़ के दो तीन रीज़न मैं बोल सकता हूँ, मतलब पहले तो मैं बोलूँगा हाँ ऑफ कोर्स कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि सब जगह कम हो गया हो, ठीक है, कहीं कहीं किसी किसी सिटीज़ में कम हो गया, अभी बहुत ज़्यादा इंडिया में पहली बात तो स्प्रेड नहीं हो, लेकिन फिर भी फ़र्क पड़ा है बचाता के समय, और उसका आई थिंक मैं मेन बताऊँगा, एक तो लोग उतना ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे, सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है, इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाह रहे जितना साल से होते, प्लस ट्रेंड आजकल इतना सोशल मीडिया वगैरह चल गया, तो अभी आई थिंक ज़्यादा वो पसंद करे जो चीज़ ट्रेंड में चल रही है, तो इजी गोइंग है बचाता like, क्योंकि बहुत आसानी से वो कोरियोग्राफी बन जाती है, मूव्स बहुत आसानी से वो लोग कर पा रहे हैं, और उस वजह से आई थिंक ऐसे तो नहीं ज़्यादा क्लोज डांसिंग है इस वजह से यार, जो ये डांस फॉर्म कर रहे हैं उनके लिए तो क्या ही क्लोज है, उनको पता है सारी चीज़ें, बाकी लोगों के लिए आई थिंक ये हो सकता है जनरल ऑडियंस के लिए, हाँ उनको लग रहा है कि क्लोज है आई थिंक, तो इस वजह ज़्यादा थोड़ा उधर नहीं, वो रीज़न नहीं है कि इस वजह से ज़्यादा करना पसंद कर रहे हैं, बट मेन मेरे हिसाब से ट्रेंड में बहुत है इस टाइम, ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है वो रीज़न है, और दूसरा कि हार्ड वर्क कम कर रहे हैं इस वजह से। आपने कॉम्पिटिशन करे, चैम्पियनशिप करे, काफ़ी कुछ किया, अभी हम लैटिन नाइट की बात कर रहे हैं, आफ्टर लैटिन नाइट की बात कर रहे हैं, तो वॉट डू यू प्रेफर मोर, स्टेज बेटर है या सोशल नाइट बेटर है? सो अब लाइक मैं हर क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइक इतना एक्सपीरियंस है ना, 17-18 साल हो गए चीज़ करते करते, तो चीज़ें पता है, तो मैं पहले अपने आप से बोल दूँ कि मैंने ना हर एक लेवल और हर एक फील्ड देखी है डांस के अंदर, सिर्फ एक चीज़ से उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि स्टेज या फिर सोशल डांसिंग, मतलब मैंने ट्रूप डांसिंग भी करी है, मैंने मैंने स्कूल में भी सिखाया है, मैंने कॉलेज में भी कोरियोग्राफी करी है, मैंने प्राइवेट क्लास, होम ट्यूशन, ठीक है, सब कुछ किया है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है, बहुत अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें, तो अब तुम स्टेज लाइक कॉम्पिटिशन भी तुम, हम लोग थे लाइक जाते थे कॉम्पिटिशन में, एशिया चैम्पियनशिप, तो कितना क्या रहा किया बहुत उस टाइम पर अलग, तो वो अलग चीज़ है, अब मैं कंपेयर नहीं कर सकता स्टेज और उससे, लेकिन अगर मैं इसको डांस फॉर्म को बोलूँगा तो ये तीनों ही स्ट्रीट डांस फॉर्म है, ठीक है, ये स्टेज से नहीं शुरू हुआ कुछ भी, ठीक है, सब स्ट्रीट से ही शुरू हुआ है, स्ट्रीट से, तीनों डांस फॉर्म स्ट्रीट से, तो फर्स्ट स्ट्रीट डांस फॉर्म है ये, उसके बाद हम लोग स्टेज पर प्रेजेंट करते हैं, सो मेरे लिए दोनों ही एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे, इसके अलावा और भी जो एक्सपीरियंस लिए इसी के अंदर वो सब अच्छे रहे, हर चीज़ जी है, तो आप चाहे स्टेज पर करो चाहे स्ट्रीट पर करो, आप परफॉर्मेंस करो चाहे लाइक अलग अलग लेवल, आप डांसर हो, सोशल डांसर हो, आप कॉम्पिटिटर हो, आप परफॉर्मर हो, ठीक है, आप शोज करते हो, आप सिखाते हो, ठीक है, इतने अलग अलग चीज़ें इसके अंदर, ठीक है, आप आई थिंक जो भी है सब अच्छे से करोगे तो सब कुछ बेस्ट है, कोई कैटेगराइज नहीं कर सकता इसके अंदर की वो बेस्ट या वो नीचे, सब सब इक्वल है, सभी वैसे है। अच्छा, आपने अभी मेंशन किया था कि इतने सालों तक 2018 तक ऑलमोस्ट मेजर सीखने पे बहुत ध्यान दिया है, उसके बाद सिखाने पे किया है, अभी आपका एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, सो उसमें ऐसा भी है कि कोई भी आएगा और उसने कोर्स किया वो टीचर बन जाएगा, लाइक मैं भी बन जाऊँगा लाइक 3 months का कोर्स है मैं टीचर? अच्छा, ओके ओके, सो आई थिंक थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, आई थिंक बहुत लोगों के दिमाग में ये आई थिंक फितूर है या क्या बोलते हैं उसको, मिसकंसेप्शन है या फिर नेगेटिव तरीके से उस चीज़ को बोलते हैं, तो लाइक मेरा है कि मैंने खुद अपने लिए भी बहुत सारे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं, तो जब मैं ये आई थिंक मैं एक साल में एक बार करता हूँ मैक्सिमम, ये एक या मैक्सिमम दो बार, अभी तक एक बार ही किया है, तो पहली चीज़ तो मैं जब भी जिसको लेता हूँ मैं पहले बहुत टाइम ऑब्जर्व करता हूँ, मैं ऐसे नहीं रैंडम किसी को भी ले लिया कि आप आए और आपने शुरू कर दिया, मतलब टीचर ट्रेनिंग का टेस्ट है, हाँ टीचर ट्रेनिंग का टेस्ट है, मतलब मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ काफ़ी टाइम से, उन लोगों को जो जिनको मैं मतलब मैं उनको पता मेरे को पता रहता है कि उनका बैकग्राउंड डांसिंग से है इस डांस फॉर्म के अंदर जो वो करने आ रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी टाइम उन्होंने किया होता है ये डांस फॉर्म, ठीक है, पहली चीज़ तो ये, अब दूसरा इतने टाइम करने के बाद में एक साल से ऊपर वाले लोग ही होते हैं जो वहाँ पर कर रहे होते हैं, ठीक है, अब इतना टाइम करने के बाद भी ऐसा नहीं कि मैं उनको बोला कि आ जाओ ये लो और सर्टिफिकेट ले और चले जाओ, ठीक है, मैं उनको साफ बोलता हूँ
सर्टिफिकेट ले लो, कुछ भी ले लो, आप टीचर नहीं बन जाओगे, ठीक है। तो मैं सब उन सब लोगों को बता दूँ जो बाद में, नॉट फॉर मी, बहुत लोग हैं जो कराते उसके बाद बोलते कि अरे 4 घंटे 5 घंटे करके टीचर बना दे। मैं पहली चीज़ तो 4-5 घंटे नहीं सिखाता, मेरा मिनिमम 18 to 24 hours का होता है, ठीक है, इतने आर्ट्स लेता हूँ मैं। और उसके अंदर थ्योरी, प्रैक्टिकल, लीडिंग, फॉलोइंग, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, लेसन बने होते हैं, जिस तरीके से मैं पूरा करिकुलम सब कुछ बताता हूँ। प्लस उनको बोल देता हूँ कि इफ़ यू आर एडवांस डांसर, ठीक है, एडवांस डांसर, लाइक इफ़ यू हैव डन 1 year और इससे ज़्यादा, तो आप सिर्फ बिगनर तक को सिखाने की चीज़ें लेके जा रहे हो, ठीक है। बट अब ये बिगनर हो सकता है कि आप अभी सीख रहे हो उसको, आप सिखाना भी शुरू नहीं करोगे, आपको हो सकता है 6 महीने और प्रैक्टिस करनी पड़े इस चीज़ के ऊपर, तब जाके आप टू मास्टर द मूव। यस अब उस चीज़ को मैं स्ट्रक्चर वाइज दे देता हूँ उनको कि ऐसे ऐसे कराना है। तो इट्स नॉट कि मैंने उनको कुछ जादू कर दिया, कुछ स्ट्रक्चर दे दिया जो कि ऑलरेडी वो जानते थे, और वो उस लेवल का दिया है जो कि ऑलरेडी 1 साल करके आ चुके हैं। तो अब उनको मैंने बता दिया 2 चीज़ें, एक आप इनको प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आप कर पाओगे, सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि ये टीचर ट्रेनिंग सेकेंडरी, पहले आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो उसको, आप अपने आप की इम्प्रूवमेंट कर रहे हो उसके अंदर। तो ऐसा नहीं कि आपने ले लिया और लो भाई ये जड़ी बूटी खा लो बन गए टीचर। मैंने भी बहुत सारे किए हैं वो कर, लाइक मैं हर एक टीचर से जिससे भी टीचर ट्रेनिंग के, मैं उसके बाद मैंने अपने आप को टीचर नहीं मान लिया, मैं बस वो सीखा अपने एक्सपीरियंस के लिए, अपने नॉलेज के लिए, और मैं सेम चीज़ उनको बोलता हूँ, अगर आपको औरों से भी करने का मन है तो करो। प्लस इस चीज़ को एक नॉलेज के तौर पर लेना, एक्सपीरियंस के तौर पर लेना, और इसकी प्रैक्टिस करते रहना। आई गिव एवरीथिंग, मैं उनको वीडियोस देता हूँ सोलो, मैं उनको कपल डांस वाले जो चीज़ें सिखानी होती है वो देता हूँ, और रिटर्न में देता हूँ, उनसे लिखवाता हूँ, मैं सब कुछ तैयार करके, प्रैक्टिकल सब कुछ, हाँ सब कुछ। उसके बाद मैं उनको बोलता हूँ 3 महीने इसकी प्रैक्टिस करो, देन यू कैन टेक बिगनर क्लास का स्टार्ट। यस यस, और वो भी पहले अपने लोगों में शुरू करो ताकि एक्सपीरियंस आए। तो इस तरीके से पूरा चलता है। अच्छा, आपने जैसे अभी टीचर ट्रेनिंग का पूरा बोला, एंड उसमें कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो थोड़ा बेटर होंगे और अच्छे होंगे या टीचर की क्वालिटी रखते होंगे, तो ऐसी कोई क्वालिटी है जो आप मेजर करते हो कि नहीं एक बेस्ट टीचर क्वालिटी ये रहती है, अगर इनमें से कोई आपकी क्लास में आ जाता है देन यू आर लाइक कि हाँ आप टीचर बन सकते हो, यू कैन गो फॉर इट? ओके, देखो ये जो अभी क्वेश्चन है, ये मेरा जो प्रोग्राम होता है ना पूरा, फर्स्ट और लास्ट ये क्वेश्चन होता है मेरा कि वॉट डू यू थिंक कि एक टीचर बनने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है। बहुत अलग अलग आंसर आते हैं। तो मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है ना, नॉट जस्ट दिस, वो मैं क्योंकि हर चीज़ ना नॉर्मल लाइफ से रिलेट करता हूँ, इवन जो मैं सिखाता हूँ ना वो भी नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके सिखाता हूँ मैं हमेशा। हाँ, तो ये नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके, तो मैं सबको बोलता हूँ कुछ भी करने के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि एक अच्छा इंसान, अगर आप अच्छे इंसान हो ना एंड इफ़ यू आर ट्रू, तो आप वो जो भी काम करने वाले हो बहुत अच्छे से कर सकते हो। बोलते हैं ना कि वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आप खुद में ही बहुत अच्छे हो तो आप कुछ भी काम करा लो, उस चीज़ की आपकी नीयत अच्छी है तो आप अपने में ही सब कुछ अच्छा करोगे। तो टीचर हो या कुछ भी हो, आई थिंक यू हैव टू बी अ गुड पर्सन, गुड पर्सनैलिटी, गुड ह्यूमन बींग। वो ट्रे नहीं, वो हाथ ग्लासेस वगैरह छग्गा बोलते हो भाई साहब, वो जब गया कॉलेज में उसको तो पता चला पढ़ना होता। तो अब अच्छी बात है, नेगेटिव करो पॉजिटिव करो, हम तो सख्त लौंडे खड़े रहेंगे।